हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैडम मैरी क्यूरी के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों को लेकर, उनको नोबल पुरस्कार मिलने तक के सफर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैडम क्यूरी को मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। मैडम क्यूरी एक भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री थी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि रेडियम की खोज से विश्व को चकित कर दिया था। मैडम क्यूरी विज्ञान की दोनों शाखाओं भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला हैं। विश्व को अपने शोध कार्य के द्वारा जो देन उन्होंने दी है, वह निश्चय ही उनका विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है। तो चलिए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर सन 1867 को रशियन साम्राज्य के किंगडम ऑफ पोलैंड के बारसा में हुआ था। इनके बचपन का नाम मारिया क्लोडोस्का था। क्यूरी के माता पिता सुयोग्य अध्यापक थे, माँ अध्यापिका तथा पिता प्रोफेसर थे। माता पिता की शिक्षाओं का असर मैरी क्यूरी पर भी पड़ा। वहीं बात करेंगे इनकी शिक्षा को लेकर, उस समय महिलाओं के शिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्हें छुप छुपा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। बाद में बड़ी बहन की आर्थिक सहायता की बदौलत वह भौतिकी और गणित की पढ़ाई के लिए 1891 में पेरिस आई। वहीं इन्होंने अपनी उच्चतम डिग्री भी प्राप्त की और काफी प्रभावशाली वैज्ञानिक बनी। इन्हें पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला होने का गौरव भी मिला। मैरी क्यूरी की निजी जिंदगी, 1894 में वो पियरे क्यूरी नाम के वैज्ञानिक से मिली और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और इनकी पहली बेटी का नाम इरिन था। मैरी क्यूरी के आविष्कार कैरियर, मैरी क्यूरी को जब एक्सरे और यूरेनियम से निकलने वाली किरणों की खोजों के बारे में पता चला, तो इन्होंने भी अपने पति के साथ मिलकर किरणों से संबंधित प्रयोग शुरू कर दिए। एक दिन वो पिचप्लेंड नाम के पदार्थ, जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड है, का अध्ययन कर रही थी। तभी उन्होंने पिचप्लेंड से कुछ किरणें निकलती हुई देखी। उन्हें लगा कि ये यूरेनियम से निकल रही हैं, पर जब इन्होंने देखा कि तरंगों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो इन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये जरूर किसी ऐसे तत्व से निकल रही हैं जो अब तक नहीं खोजा गया। इस दंपति ने पिच ब्लेंड और उससे निकलने वाली तरंगों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की और पाया कि उन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दो नए तत्व खोज लिए हैं। 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की। कुछ ही महीने बाद इन्होंने रेडियम, इन्वेंशन ऑफ रेडियम की खोज भी की। रेडियम का इस्तेमाल पेंट, घड़ी की सुई, कपड़े और दवाइयों में किया जाता है। वहीं इसी के साथ बताना चाहूंगा, बाद में इन्होंने पेरिस और बारसा में क्यूरी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो वर्तमान में मेडिकल रिसर्च का मुख्य केंद्र है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने पहली रेडियोलॉजिकल मिलिट्री फील्ड का निर्माण किया। वहीं बात करूंगा इनके मिले पुरस्कारों के बारे में। सन 1903 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, बहुत की नोबेल पुरस्कार मिले। 1911 में केमिस्ट्री में भी इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम वैज्ञानिक भी बन चुकी थी। वहीं बात करना चाहूंगा इनकी मृत्यु को लेकर, तो 66 साल की उम्र में फ्रांस के सैनिटोरियम में अप्लास्टिक एनीमिया को वजह से 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। मैडम क्यूरी आज भले ही संसार में नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य तथा समर्पण को विश्व कभी नहीं भूल सकता। आज भी समस्त विश्व में मैरी क्यूरी श्रद्धा की पात्र हैं तथा इनको सम्मान से याद करना हम सबके लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी मैडम मैरी क्यूरी के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।